तो इस एंट्री के अंदर हमारे पास जो ये एंट्रीज है हमारी, वो करेक्ट एंट्री है, क्योंकि आपने 750 रुपीज़ जो स्पेंड करे हैं वो रिपेयर करे हैं, वो भी एक ओल्ड मशीन की रिपेयर पर। और ये जो खर्चा है हमारा वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे आप हमेशा रिपेयर वर्ड को ही डेबिट करते हैं उस कंडीशन में। अगर यही खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता, सपोज अगर आप कोई भी असेट्स परचेज कर रहे हैं जी, परचेज करते ही टाइम आपने कोई रिपेयर करवा ली, तो वो एक्सपेंसेस हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो उस कंडीशन के अंदर हम मशीनरी को डेबिट करेंगे, ना कि रिवेन्यू रिपेयर को किया जाएगा। बट ये जो हमने रिपेयर करवाई है, मीन्स जो एक्सपेंसेस करा है हमने, वो एक ओल्ड मशीनरी की रिपेयर पर करा है, और जो रिपेयर है हमारी वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जी। क्लियर है? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के कारण आपने रिपेयर अकाउंट को डेबिट करा है। अगर रिपेयर अकाउंट को डेबिट करा है जी, फिर हमारे पास जो 7 एंट्री है, करेक्ट एंट्री के लिए हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है इसके लिए, क्योंकि हमारे पास रिपेयर को ही आपने डेबिट कर रखा है, और रिपेयर को ही डेबिट आपने करना था जी। क्लियर है? तो ये हमारे पास थी कुछ जर्नल एंट्रीज। अब हम इसका सीखेंगे जी, सस्पेंस अकाउंट हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट का हम फॉर्मेट तैयार करेंगे जी। सस्पेंस अकाउंट, इसकी टू साइड्स हैं, जिस तरीके से नॉर्मल अकाउंट की होती हैं, टी शेप की तरह। ठीक है जी, डेबिट साइड में हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट्स एंड क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट को पुट किया जाएगा जी। तो ये हमारी डेबिट साइड रहेगी और ये वाली हमारी क्रेडिट साइड रहेगी। तो अब हमने करना क्या है जी, फर्स्ट नंबर पे देखो, फर्स्ट नंबर पे हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही हमें इन्फॉर्मेशन ने गिवन थी। तो जो क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि एक बुक कीपर प्रीपेड ए ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020 विच शोवड ए डिफरेंस ऑफ ₹2,715। द डिफरेंस वॉज प्लेस्ड टू द डेबिट साइड ऑफ ए सस्पेंस अकाउंट। आपने इस डिफरेंस को डेबिट साइड में पुट कर दिया जी, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू जाके जी, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली जो हमारा डिफरेंस है वो डेबिट साइड में पुट करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है जी। अब हमारे पास जितनी भी हमने जर्नल एंट्री करी, उसमें सिर्फ हमें एक सस्पेंस वर्ड को चेक करना है। जैसे सस्पेंस मेरा ये रहा जी, जैसे हमने सिंपली लेजर करी हुई है, वही सेम अपने लेजर को ही फॉलो करना है। सस्पेंस मेरा क्रेडिट है, तो सस्पेंस अकाउंट की मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगा, जो कि मेरी ये वाली क्रेडिट साइड रहेगी जी। तो इस क्रेडिट साइड में जाके मैं अपोजिट वर्ड नेम यूज कर दूंगा, जैसे बाय सेल्स रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न। देखो हिंट क्या है, सिंपली सस्पेंस क्रेडिट है, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड हमारी रहेगी ये वाली। तो इस क्रेडिट साइड में हमें सस्पेंस वर्ड को नहीं लिखना, क्योंकि जिस चीज का अकाउंट बना रहे हैं वो चीज कभी भी पुट नहीं की जाएगी, उसका अपोजिट नेम यूज किया जाएगा। तो सस्पेंस की क्रेडिट साइड में मेरे को यूज करना है बाय सेल्स रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न, और अमाउंट रहेगी 710 एंड 710। तो बाय सेल्स रिटर्न 710, बाय परचेज रिटर्न 710। अब हम सेकेंड एंट्री चेक करेंगे जी। तो सेकेंड एंट्री हमारी ये बैड डेब्ट्स वाली है, तो सस्पेंस मेरा क्रेडिट है जी, सस्पेंस की क्रेडिट साइड में जाऊंगा, अपोजिट नेम यूज किया जाएगा, बाय बैड डेब्ट्स। ठीक है जी, बाय बैड डेब्ट्स, और अमाउंट आ जाएगी जी 626 रुपीज़ से जी। थर्ड एंट्री के अंदर सस्पेंस वर्ड यूज नहीं है, इसलिए इग्नोर किया जाएगा जी। फोर्थ में भी सस्पेंस वर्ड यूज नहीं है, फिफ्थ में हमारे पास सस्पेंस वर्ड यूज किया गया है। तो फिफ्थ वाली के अकॉर्डिंगली सस्पेंस मेरा डेबिट है, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में मेरे को 2G पुट करना है, जो कि गोविंद वाला है जी। तो हम 2 करेंगे जी, जी सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड में, और अमाउंट आ जाएगी जी 81 रुपीज़। एंड लास्ट एंट्री हमारे पास डेटर्स क्रेडिटर वाली है, जो कि 2 सस्पेंस है, तो सस्पेंस इसकी क्रेडिट साइड में है। तो हमने करना क्या है जी, सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे और अपोजिट वर्ड यूज किया जाएगा, मीन्स बाय डेटर्स एंड बाय क्रेडिटर्स, और अमाउंट आ जाएगी 375 375 रुपीज़।
तो इस तरीके से ये हमारी सारी की सारी एंट्रीज हमने कर ली हैं जी। अब इनका हमें टोटल करना है। अगर हमारा टोटल ये मैचिंग खा जाता है जी, तो इसका मतलब हमारा ये जो जर्नल एंट्रीज हमने करी हैं सस्पेंस अकाउंट ओपन करके, तो हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन ये गलत रहेगा जी। तो चेक कर लेंगे, 6 और 5 11, 11 और 5 हो जाएगा जी हमारे पास 16। तो 16 वन कैरी करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 और 14 हो जाएगा 19। तो एक वन कैरी करेंगे जी, 7 और 8, 8 और 7 15, 15 और 6 हो जाएगा 21, 21 ये टोटल हो जाएगा जी 2796 रुपीज़। तो यहाँ से भी टोटल हमारा 2796 रुपीज़ आ जाएगा जी। तो इस तरीके से ये हमारा एक सस्पेंस काउंट का क्वेश्चन था, जो कि हमने देखा कि सस्पेंस काउंट किस तरीके से हम तैयार करते हैं। और एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, और उस क्वेश्चंस के अंदर भी सेम कुछ हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है जी, रेक्टिफाई करके एंड फिर दोबारा से हमें सस्पेंस काउंट बनाकर देख रहे हैं जी। तो उसके अंदर जो सस्पेंस काउंट बनेगा थोड़ा अलग टाइप से है, क्योंकि उसकी एक फर्स्ट लाइन ही आपको जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वही डिफरेंट है। तो क्वेश्चन देखते हैं जी। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट एग्री एंड शोड एन एक्सेस डेबिट ऑफ ₹16,300। मतलब जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो कोहली का मैचिंग नहीं खा रहा, जो कि डिफरेंस दिखा रहा है, मीन्स वो डेबिट साइड हमारी ज़्यादा दिखा रहा है 16,300 से। और ही पुट द डिफरेंस टू ए सस्पेंस काउंट, तो उसने क्या करा, इस डिफरेंस को सस्पेंस काउंट में पुट कर दिया। मतलब सिंपली वे में क्या कह रहा है जी, हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है, और उस ट्रायल बैलेंस का, जैसे कि हमारे पास ये एक ट्रायल बैलेंस है जी, इस ट्रायल बैलेंस की दो साइड हैं मेनली, एक हमारे पास डेबिट साइड है जी और एक हमारी क्रेडिट साइड है। यहाँ हमारे बैलेंस आ जाते हैं और ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रहे हैं जी, ट्रायल बैलेंस कोहली का मैचिंग नहीं खा रहा, और जो कि शो कर रहा है कि एक्सेस है डेबिट साइड, मतलब मेरी डेबिट साइड 16,300 से ज़्यादा है और ये चीज़ 16,300 से मेरी कम है, मतलब मेरी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट वाले कम है। अगर मेरे को ये दोनों चीज़ें मैचिंग करनी है, मीन्स डेबिट को क्रेडिट साइड के इक्वल करना है, तो मेरे को सस्पेंस काउंट को ओपन करना पड़ेगा। और अगर जितना भी ज़्यादा है, अब ये क्वेश्चन के अंदर खुद ही कह रखा है कि डेबिट साइड 16,300 से ज़्यादा है, तो ये जो डेबिट साइड ज़्यादा है तो मेरे को इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड में उतना ही डिफरेंस पुट कर दूंगा, जिससे कि मेरा ये सस्पेंस काउंट मीन्स ट्रायल बैलेंस मेरा मैचिंग खा जाए और फाइनल अकाउंट हम तैयार कर सकेंगे जी। क्लियर है? तो मगर अगर ये सिंपली कह दे कि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो सीधी बात है जी, जो भी डिफरेंस आएगा सस्पेंस अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट साइड पुट किया जाएगा। अगर कह देगा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड में डिफरेंस को पुट करना है। क्लियर है? अब हम जब भी सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड से शुरू किया जाएगा बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस से जी। तो इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहले कह रहे, कैश रिसीव फ्रॉम रजत ₹5,000 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल। आपने कमल को डेबिट कर दिया। देखो, अगर मेरे को कैश रिसीव हो रहा है तो मेरी जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए एंड रोंग एंट्री क्या है और रेक्टिफाइंग एंट्री। देखो, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए मेरे पास वो होनी चाहिए थी कैश टू रजत, अमाउंट ₹5,000, 5,000, ये मेरी एंट्री बनती है करेक्ट। बट मैंने गलती से क्या करा, कमल को डेबिट कर दिया जी। क्लियर है जी? मैंने कमल को डेबिट कर दिया कितने अमाउंट से जी, 6,000 से। अब मेनली पॉइंट यहाँ पे देखें जी, इसके अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है क्या, कि अगर नेम से रिलेटेड गलती है, इसका मतलब आपने रजत को क्रेडिट करने की बजाय आपने कमल को डेबिट कर दिया। मतलब जिक्र जो किया जा रहा है वो नेम से रिलेटेड है, इसमें कैश का जिक्र नहीं है, इसलिए कैश हमारा सही है, कैश को तो हमने कैंसिल कर देना है। क्लियर है जी? क्योंकि आपने रजत की बजाय कमल को डेबिट कर दिया 6,000 से, तो सही करने के लिए, ये तो मेरी करेक्ट एंट्री है ही है, मैं इसे टू रजत तो लिखूंगा ही लिखूंगा जी, और ₹5,000 से, और जो कि कमल मेरा क्रेडिट डेबिट हो गया है गलती से, उसे हम करेंगे जी क्रेडिट 6,000 से, और डेबिट साइड में हम पुट कर देंगे सस्पेंस काउंट को जो कि 11,000 का बनेगा। ठीक है जी? एंड सेकंड एंट्री है जी, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉइज ₹2,000 वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज ₹1,200। देखो, अगर हम सैलरी पे करते हैं किसी भी एम्प्लॉइज को,
तो सपोज अगर राम को भी सैलरी देनी हो तो हम एंट्री क्या करेंगे, दिस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट क्वेश्चन ये कहता है कि आपने सैलरी की बजाय उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। सपोज अगर राम को देने हैं पैसे, हमने राम को ही डेबिट कर दिया, क्लियर है जी। सैलरी की जो अमाउंट है वो 2000 है, बट हमने उसके पर्सनल अकाउंट में 1200 लिख दिए। हमें एंट्री जो करनी थी 2000 से करनी थी इस तरीके से, बट आपने क्या करा जी, सैलरी की बजाय उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया जो कि राम 1200 से, ठीक है जी। तो यहाँ पे कैश का कोई भी डिफॉल्ट नहीं है क्योंकि कैश का कहीं जिक्र नहीं किया गया, जिक्र नहीं है तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। आपने सैलरी को 2000 डेबिट करना था क्योंकि ये मेरी एंट्री करेक्ट है, और जो एंट्री मेरी करेक्ट है वो रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर भी मेरे को क्या करना चाहिए, उसे डेबिट ही कर देना चाहिए। तो सैलरी मेरी डेबिट हो जाएगी 2000 से, और जबकि राम मेरा गलत है, मीन्स जो पर्सनल अकाउंट है मैं पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दूं अगर 1200 से जी, क्लियर है। और मैं टू करूंगा सस्पेंस क्योंकि मेरे को दोनों साइड इक्वल करनी है, इक्वल करने के लिए 800 का डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे जी, क्रेडिट साइड के अंदर ही हम सस्पेंस वर्ड का यूज कर देंगे जी, जो कि 800 रहेगा, क्लियर है जी। देन हमारे पास थर्ड एंट्री है जी, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज वर क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। देखो अगर प्रोपराइटर पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स विड्रॉन करता है तो सिंपल एंट्री बनती है हमारे पास, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बट यहाँ पे कह रखा है कि आपने गलती से क्रेडिट किसे कर दिया, सेल को। अब जो सेल क्रेडिट किया गया होगा वो परचेज की जगह किया गया होगा, तो ड्रॉइंग का कहीं जिक्र नहीं है, तो ड्रॉइंग आपने अपने सही है उसे कैंसिल कीजिए। हमारे पास ये राइट है ये रोंग है, जो राइट एंट्री है उसे राइट ही रखें, परचेज को तो मैं करूँगा जी क्रेडिट, और जो कि सेल गलती से क्रेडिट है इसको कर देंगे हम डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट पुट कर देंगे जी 1600 रुपीज से, हमारी ये एंट्री पास की जाएगी, ठीक है जी। अगर एंट्री समझ आ रही हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक जरूर करें जी। नेक्स्ट है अपने पास डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी ₹3000 वाज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज ₹300। हमने डेप्रिसिएशन को जो डेबिट करना था जी, मीन्स मेरे को जो एंट्री करनी थी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, वो अमाउंट थी 3000 से एंट्री। बट क्वेश्चंस के अंदर ये कह रहा है कि आपने मशीनरी अकाउंट के अंदर जो पोस्ट कर दिए 300 कर दिए, मतलब मैंने मशीनरी के अंदर ₹300 पुट कर दिया, ये चीज़ है। अब डेप्रिसिएशन का कोई डिफॉल्ट नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन अपने आप में सही है। यहाँ मशीनरी में 3 की बजाय 300 लिख दिए, तो ये एरर जो होता है शॉर्ट वाला, शॉर्ट वाले एरर के अंदर क्या होता है, सेम हमारे पास एंट्री रहेगी टू मशीनरी करके, लेकिन अमाउंट आ जाएगी डिफरेंस के साथ। बट यहाँ पे मेरे को सस्पेंस वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपने डेबिट साइड में हमारे पास कुछ भी वर्ड यूज नहीं हुआ, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस को ही डेबिट करना पड़ेगा जी। देन फिफ्थ एंट्री है सेल ऑफ ओल्ड कार ₹10,000 वाज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट एज ₹6,000। देखो हमने जो सेल करी है जी ओल्ड कार की, तो हमारी जो एंट्री बननी चाहिए फिफ्थ, कैश अकाउंट डेबिट टू कार, क्योंकि कार अगर सोल्ड करी है तो कार को क्रेडिट करना चाहिए। बट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपने सेल को क्रेडिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैश की बजाय सेल वर्ड तो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि कार की बजाय ही आपने सेल को क्रेडिट किया होगा, तो कैश का कोई डिफॉल्ट नहीं है, कैश को साइड में करें जी, इसे रिमूव कर देंगे। हमारे पास जो ये अमाउंट बनेगी 10 और ये है मेरे पास 6, आपने कार की बजाय सेल को क्रेडिट करा है जी, क्लियर है। तो ये मेरी सही है ये मेरी गलत है, जो चीज़ सही है उसको बिल्कुल आपने सही जगह ही रखना है, मीन्स आपने रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर उसे क्रेडिट साइड में ही रखना है। बट ये सेल मेरी गलती से क्रेडिट हो चुकी है, इसको क्या करूंगा जी, सेल को मैं करूंगा डेबिट 6000 से। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल करने के लिए डेबिट साइड में कमी है जी, तो डेबिट साइड में हम सस्पेंस वर्ड का यूज करेंगे 4000 रुपीज से, क्लियर है जी। तो ये हमारी एंट्रीज थी, अब हम करते हैं जी इसका सस्पेंस काउंट। लॉजिक
फर्स्ट नंबर पे हमें सस्पेंस वर्ड को ही देखना है। क्वेश्चन में सस्पेंस डेबिट है तो सस्पेंस काउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और टू कमल टू रजत वर्ड को हम पुट कर देंगे जी। टू कमल एंड टू रजत, टू कमल टू रजत, ठीक है जी। अमाउंट आ जाएगी 6,000 एंड 5,000 रुपीज। अब एक हमारे पास ये सस्पेंस का जो बैलेंस रह गया था, सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें ये पुट करना है जी बाय बैलेंस बीडी के नाम से। इसे बाय बैलेंस की बजाय हमें क्या लिखना चाहिए जी, बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी, बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, क्लियर है जी। तो ये 16,300 रुपीज़ पुट किए देंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंगली है, तो इसलिए हमें बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस वर्ड यूज करना चाहिए बाय बैलेंस बीडी की जगह, क्लियर है जी। तो यहाँ पे सस्पेंस मेरा क्रेडिट है जी, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे और अपोजिट वर्ड यूज करेंगे। अपोजिट कौन सा है जी, सैलरी। बट अमाउंट किसकी उठाएंगे हम, सस्पेंस की उठाएंगे जी, क्योंकि ये लेजर का रूल होता है, जिस अकाउंट को आप बना रहे हो उस अकाउंट की अपोजिट साइड वाले को उठा लीजिए, लेकिन अमाउंट जिस अकाउंट को हम तैयार कर रहे हैं उसी की अमाउंट यूज की जाएगी। तो मैं करूंगा जी बाय सैलरी और अमाउंट यूज करूंगा जी 800 रुपीज जी। नेक्स्ट एंट्री में कोई सस्पेंस नहीं है, इग्नोर कीजिए। इसमें सस्पेंस डेबिट है तो सस्पेंस की डेबिट साइड में अपोजिट वर्ड यूज करेंगे टू मशीनरी एंड 2,700 रुपीज से जी, 2,700 रुपीज से यूज की जाएगी अमाउंट। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो सस्पेंस है मेरा डेबिट साइड है जी 4,000 का, तो अपोजिट वर्ड क्या है, कार। अपोजिट वर्ड कार, लेकिन अमाउंट किसकी, सस्पेंस की। लो जी, टू कार करेंगे और अपोजिट वर्ड के साथ और अमाउंट सस्पेंस वाली यूज कर ली हमने, तो इसका एक बार टोटल कर लेंगे जी। टोटल हमारे पास जो बनता है 11,000, 13,000 एंड 14,000, 13 एंड 17,700 रुपीज हमारा टोटल बन रहा है जी। अगर टोटल मैचिंग है इसका मतलब हमारी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सही होंगी जी। और यहां से अगर टोटल करते हैं जी 16 एंड 17,100 रुपीज बन रहा है, मीन्स 600 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो एक बार फिर भी एंट्रीज को चेक कर लेते हैं, शायद अमाउंट से रिलेटेड कोई गलती हो चुकी होगी। अदरवाइज देखो आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट या क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा जी। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं जी, जो हमारे पास 600 रुपीज का डिफरेंस है जी, वो हमारी इस वाली एंट्री से रिलेटेड है जी 600 का, जो कि सी एंट्री है। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपीज का है, तो मेरी जो ये एंट्री होनी चाहिए 1,000 से होनी चाहिए। बट हमने क्या करा जी, सेल को क्या कर दिया है जी, क्रेडिट कर दिया है, लेकिन जो सेल की अमाउंट कितनी है वो 1,000 रुपीज है जी। ये चीज है हमारे पास, क्लियर है जी। सेल की जो अमाउंट है मेरे पास 1,600 और परचेज की है जी 1,000, तो सेल मेरा 1,600 से डेबिट है जबकि परचेज है जो मेरी 1,000 से क्रेडिट है। दोनों साइड को मैचिंग करने के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा जी सस्पेंस को, जो कि 600 का रहेगा। अब यहाँ पे सस्पेंस मेरा क्रेडिट है 600 का, तो अपोजिट वर्ड यूज किया जाएगा बाय सेल्स, ठीक है जी, बाय सेल्स करेंगे और अमाउंट जो यूज की जाएगी वो सस्पेंस वाली की जाएगी 600 की जी। तो लो जी, इससे हमारा ये टोटल मैचिंग खा गया। तो जब कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हमारी दोनों साइड का टोटल मैचिंग नहीं खा रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी एंट्री की कोई ना कोई गलती हो चुकी है जी। तो एक बार एंट्रीज को फिर दोबारा से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अगर टोटल इक्वल आ गया है सस्पेंस काउंट का, तो देन समझ लीजिए आपकी जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज हैं वो बिल्कुल एकदम करेक्ट हैं जी। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे सस्पेंस काउंट से रिलेटेड जी। तो इस तरीके से ये हमारा सस्पेंस काउंट रेक्टिफिकेशन जो ऑफ एरर चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो चुका है जी। इसके बाद हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तो अगर आप भी कंटिन्यू इसी तरह चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।